आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीरो आवर दे विच आप जी ने बोलन का मौका दिता। मानयोग स्पीकर साहब, विधानसभा का जो इलैक्शन चल रहा है तो दो प्रमुख मुद्दे से, एक ड्रग्स का तो दूसरा बेअदबी का। ड्रग्स के बारे बहुत वधिया शुरुआत हुई है, सरकार ने काफ़ी कदम उठाए ने। कल भी मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब ने इस संबंध में मीटिंग रखी सी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करांगा। एक मुद्दा है कनैक्टेड मुद्दा, मानयोग स्पीकर साहब, 2020 अमृतसर दे विच पिंड सुल्तानविंड 197 किलो हैरोइन जां हैरोइन वर्गे नशीले पदार्थ की रिकवरी हुई सी। उस दे विच अनवर मसीह नां दे एक अकाली लीडर की गिरफ्तारी हुई सी। मेरे हिसाब दे नाल मुकदमा नंबर 23 है 2020 दा। उदों नशे का जो सब तो वड्डा सौदागर है पंजाब का, आज की तारीख दे विच जेल दे विच है। उदों साडे जिहड़े मित्र बैठे ने सामने, इन्हां ने भी मांग कीती सी कि उस बंदे की गिरफ्तारी उस 23 नंबर FIR दे विच होवे, क्योंकि उहदा बहुत ही घनिष्ठ मित्र सीगा और उहदा साथी सीगा और इन्हां ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ मेहरबानी STF दी हो गई और कुछ राजनीति चल गई, इस करके उस सौदागर की गिरफ्तारी उस केस दे विच नहीं हो सकी। 23 नंबर FIR बहुत ही आम केस है नशे के संबंध दे विच। मैं बेनती करांगा सरकार नूं, खास करके मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं, कि उस केस दे विच उस व्यक्ति की पुछगिछ होवे और क्लीयर कर दिता जावे कि उसका रोल है कि नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ी रिकवरी सीगी और गुजरात की पुलिस ने इनफॉरमेशन देके एक रिकवरी कराई सीगी। ये मेरी बेनती है सर। दूसरा मुद्दा सर बेअदबी का है। बेअदबी के बारे मैं कॉल अटेंशन नोटिस भी मूव की सी, किसी कारण बस टेकअप नहीं हो पा रहा है। मेरी बेनती है मानयोग स्पीकर साहब कि सदन आज तक चलना है, कोई भी 30 मिनट इस वास्ते रख लिया जाए जा 30 मिनट वास्ते सदन की कार्रवाई वधा दी जाए, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है और कुछ पॉइंट इस तरीके दे ने जो कि आम जनता नूं भी जानना जरूरी है, इस पवित्र सदन नूं भी जानना जरूरी है और यह सत्ता पक्ष वास्ते भी लाभदायक होगा, ओपोजिशन वास्ते भी होगा और जिन्हिया भी नानक नाम लेवा संगतां ने उन्हां वास्ते भी वधिया रहेगा। तुसीं भी कोट कपूरा एरिया तो तुसीं इस सदन की प्रतिनिधिता कर रहे हो, तो मेरी यह बेनती है कि जां तां मैनू अपना पक्ष रखण वास्ते 10 मिनट का समा दे दिता जाए जां आधे घंटे वास्ते सदन की कार्रवाई वधा दी जाए, ता जो इस मुद्दे के उत्ते वधिया एक डिबेट हो सके।